भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल में ही भाजपा का प्रतिनिधि बनकर अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजद के साथ गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों के तौर पर जिन राजनीतिक हस्तियों के नाम की चर्चा की जा रही है, उनमें से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। इस पद के प्रत्याशी के तौर पर तीन अन्य छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके, तमिलनाडु की राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन और केरल की राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान के नाम भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति चुनाव के बनाम जा रहे तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि इस बार के चुनाव में सांसदों के एक मत का मूल घट जाएगा। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में सांसदों के एक मत का मूल 708 से घटकर 700 रह जाएगा। इसके पीछे का अहम कारण यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था। इसके बाद से अभी तक वहां पर विधानसभाओं का गठन नहीं किया जा सका है। घाटी में दो केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के गठन नहीं होने से सांसदों के मत उनके 83 विधायकों के मत की गणना कम हो जाएगी। यही वजह है कि एक सांसद का मत मूल 708 से घटकर 700 रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।